जय हिंद साथियों, मैं सत्येंद्र यादव और आप देख रहे हैं फौजी डिफेंस अकेडमी। दोस्तों, अगर आप अपने लेगों के अंदर पावर बढ़ाना चाहते हैं, आप रनिंग में एक्सीलेंट बनाना चाहते हो और अपनी रनिंग अच्छी बनाना चाहते हैं, तो जो वर्कआउट मैं आपको आज बताऊंगा, अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आप 1600 मीटर के अंदर एक्सीलेंट मारोगे और अपनी जो टाइमिंग है उसे भी बहुत अच्छा तगड़ा बनाओगे। अगर आप अपनी टाइमिंग को अच्छा बनाना चाहते हैं और अपनी रनिंग अच्छी लाना चाहते हैं और अपने पैरों के अंदर अच्छा स्टेमिना, अच्छी पावर बढ़ाना चाहते हैं, तो जो मैं आपको आज कुछ बेसिक एक्सरसाइज बताऊंगा, अगर आप ये करते हैं फॉलो, तो आपको एक महीना के अंदर अंदर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपन वर्कआउट की ओर। आपको भी एक वर्कआउट करना है, हफ्ते में आप कम से कम 3 बार तो ये वर्कआउट कीजिए। अगर एक हफ्ते में आप 3 बार एक वर्कआउट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले आपको हाई नी समझते हैं दोस्तों, आपको हाई नी इस तरीके से करना है। दोस्तों, मैं साइज बताऊंगा आपको करके। दोस्तों, आपको अपने जब हाई नी करोगे तो आपको अपने हैंड ब्लॉक नहीं करना है, आपको लेग के साथ अपने हैंड का मूवमेंट वैसा ही रखना है। तो दोस्तों, अब करते हैं अपन वर्कआउट। दोस्तों, आपको इस तरीके से अपने हैंड, दोस्तों दोस्तों अपना हैंड का, आप जब हैंड और आपके लेग दोनों एक साथ आपने चलना चाहिए, आपको बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं करना है। आपको इसके 3 सेट इस तरीके से लगाना है। सेकेंड एक्सरसाइज दोस्तों, इसमें आपको अपने हैंड ब्लॉक करके रखना है। अगली जो अगली एक्सरसाइज होगी आपकी, उसमें आपको हैंड ब्लॉक करके रखना है इस तरीके से। दोस्तों, आपको इस तरीके से अपने हैंड ब्लॉक रखना है और इसके भी आपको 3 सेट लगाना है। इसके बाद आपको सेकंड एक्सरसाइज कौन सी करनी है, मैं आपको बताऊं। आपको इस तरीके से दोस्तों, कभी आप ये वर्कआउट करते हैं तो मैं आपको आशा दिलाता हूं कि आप एक ऐसा रनर बनोगे कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। आप 1600 मीटर के अंदर एक्सीलेंट मारोगे। तो अगला जो स्टेप है वो आपको ड्रिल पोज रखना है। जो अगला आपका एक्सरसाइज है उसे आपको ड्रिल रखना है। ड्रिल आप किस तरीके से होना चाहिए, जब आप ड्रिल करते हैं तो आपका घुटना पंजों से आगे नीचे आना चाहिए और आपके दोनों लेगों की डिस्टेंस इतना रहना चाहिए। और आप ध्यान कीजिए, दोस्तों कभी आप ये वर्कआउट कीजिए, हर एक्सरसाइज के 3 सेट लगाइए और ये वर्कआउट कीजिए आप। अगर कभी आपने ये वर्कआउट कर लिया तो आप 1600 मीटर के एक अच्छे धावक बनोगे। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।